हमारे जीवन में दो चीजों का बहुत महत्व है, एक है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीवमेंट। लेकिन दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है, लक्ष्य का निर्धारण की प्रक्रिया या लक्ष्य की प्राप्ति? आज हम इसी विषय को लेकर आपके साथ बात करते हैं। साथियों, लक्ष्य निर्धारण करते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह पूर्णता की ओर ले जाती है, और यदि लक्ष्य प्राप्ति शॉर्टकट से किया जाता है तो वह कभी कभी तो संभव हो सकता है, लेकिन सदैव उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है। इसीलिए लक्ष्य का निर्धारण ज्यादा प्रमुख है। लक्ष्य के निर्धारण के प्रक्रिया में पूर्णता आना आवश्यक है और परिणाम स्वतः ही उत्कृष्ट स्तर का प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म ईमानदारी से करें। इसीलिए हमें लक्ष्य का निर्धारण या संधान में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि उसमें कोई कमी रह जाती है, खामी रह जाती है, गलती रह जाती है, तो परिणाम भी सही नहीं हो सकता। अतः इसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण या संधान यदि सावधानी से पूरा किया जाए तो उसका परिणाम सदैव सुखद होता है, क्योंकि प्रक्रिया में हर बार कोई बदलाव नहीं आता, और यदि हम शॉर्टकट से करते हैं तो प्रक्रिया निश्चित नहीं होती, हर बार बदलाव आता है। लक्ष्य निर्धारण में प्रत्येक का साथ उसकी क्षमताओं, उसकी दक्षताओं और उसकी कुशलताओं के आधार पर होता है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में हर एक का, हर साधन का, हर सामग्री का, हर स्रोत का, हर तरीके का, हर व्यक्ति का, हर स्थान का, प्रत्येक बाजार का, कर निर्धारण प्रक्रियाओं का, यातायात के साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण में जवाबदेही स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्य प्राप्ति में तो लक्ष्य हो गया तो किसका होगा, कैसे हो गया पता नहीं चलता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में, गोल सेटिंग प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही पूरी तरह स्पष्ट होती है। लक्ष्य निर्धारण में प्रत्येक कार्यविधि गतिविधि का दस्तावेज उपलब्ध रहता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से होता है। लक्ष्य निर्धारण में सावधानी की बड़ी अहम भूमिका है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे हम सर्विस सेक्टर में हो, चाहे किसी और प्रोसेस में, तो सेफ्टी और जो केयर के एस्पेक्ट हैं उनको पूर्णतः ध्यान में रखा जाता है, ताकि किसी के भी स्वास्थ्य पर या उसके साधन पर कोई दुष्प्रभाव कुप्रभाव ना पड़े। प्रत्येक का स्वास्थ्य, उसका हेल्थ पूर्णतः सुरक्षित रहे, यह उसमें अवश्य सोचा जाता है। जवाबदेही में उनकी क्षमताओं का, उनकी दक्षताओं का, उनकी कुशलताओं का प्रयोग उसी आधार पर होता है जिस तरह की वो कुशलता दक्षता अपने में रखते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया पूर्ण होने में योजना के अनुरूप ही परिणाम आते हैं, और परिणाम आने पर लक्ष्य निर्धारण के आधार पर वेतन वृद्धि, पदोन्नति या लाभ का भाग दिया जाना आसानी से संभव हो सकता है। अतः इस प्रक्रिया को हम अपने जो हमारे
धर्म शास्त्रों के अनुसार कहानियां हैं उनसे और समझने का प्रयास करते हैं। पहली कहानी हम शुरू करते हैं महाराजा दशरथ की। यह रामायण काल में श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शब्द भेद भी बाण चलाना आता था। एक दिन वह जंगल में रात्रि में, क्योंकि दिन में तो देखकर कर सकते हैं, जब अंधकार होता है तभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है, तो वह रात्रि में सरयू नदी के किनारे घने जंगलों में शिकार करने गए। जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तो उन्हें सरयू नदी में किसी जानवर के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि वहां कोई हिरन पानी पीने आया है, क्यों न मैं अपने शब्द भेदी बाण का इस पर प्रयोग करूं। उन्होंने अपने लक्ष्य का ठीक से निर्धारण नहीं किया और अपना बाण छोड़ दिया। वह जाकर श्रवण कुमार को लगा, क्योंकि वहां श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए नदी से जल भरने आया था। वह कोई मृग नहीं था। और जब राजा दशरथ उसके पास पहुंचे कि मेरे शिकार का अंत हो गया होगा, तो उन्होंने जाकर देखा कि एक कुमार बालक छटपटा रहा है, उनकी तीर की पीड़ा उससे सहन नहीं हो रही है, उसके हाथ का घड़ा सरयू नदी के किनारे पर पड़ा है, उनको बहुत दुख हुआ। तब श्रवण कुमार ने पूछने पर अपनी पूरी कहानी राजा दशरथ को सुनाई कि मैं अपने अंधे माता पिताओं को चारों धामों की यात्रा के लिए लेकर निकला हूं, वो यहाँ रुके हुए हैं, मैं उनके लिए जल लेने आया था और अब आपने मेरा वध कर दिया, मैं बचूंगा नहीं, आप मेरे मृत्यु के बाद उन्हें जल अवश्य पिलाएं और उनका ध्यान रखें। राजा दशरथ को बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ। वह जल का घड़ा लेकर जब श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे तो वो चुप थे, वो बोले नहीं। माता पिता ने जब पदचाप छुनी तो उन्होंने पूछा कि बेटा आगे, फिर भी राजा दशरथ बोले नहीं, क्योंकि वह उनके बेटे नहीं थे। तो माँ बाप ने फिर पुनः प्रश्न किया और उनसे फिर पूछा तो वह फिर नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि जब तक तू बोलेगा नहीं हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तो राजा दशरथ दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे एक पाप हुआ है, आपके बेटे का वध हो गया है, मैं पानी लेकर आपके लिए आया हूं। यह सुनते ही उन दोनों को बहुत आघात हुआ और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुमने अपना तीर चलाते हुए, अपने संधान का प्रयोग करते हुए यह ध्यान नहीं रखा कि सामने वाला आपका मृग नहीं कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में बिछुड़ कर रो रो कर मर रहे हैं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र की वियोग में इस तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब केकई ने, राजा दशरथ थे वो, दो वर मांगे तो राजा दशरथ को अपनी वह जवानी की भूल या कृत्य याद आया और उन्होंने श्रवण कुमार के पूरी कहानी को ध्यान से देखा और अंत में उनकी उसी तरह पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु हुई जैसे श्रवण कुमार के माता पिता की हुई थी। तो यह लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में हुई चूक का, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हुई है, उनका शब्द भेदी बाण सही जगह पर जाकर लगा है, तो यह एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं महाभारत से। उसमें अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में अपने लक्ष्य का निर्धारण तेल की उबलती हुई कढ़ाई में देखकर मछली की आंख का लगाया और आंख का भेदन करने के बाद उनका विवाह द्रौपदी के साथ हुआ और बाद में उन्होंने वही अपने गोल सेटिंग एक्सरसाइज लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में और महानता हासिल कर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का आसरा लेकर, श्री कृष्ण का सहारा लेकर महाभारत के युद्ध को जीता और हम जैसे लोगों को
गीता के उपदेश से अवगत कराया। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य हम लोगों का उपकार, परोपकार, हमारे ज्ञान की वृद्धि करना और हमारे ज्ञान को यथार्थ से साक्षात कराना था। अतः अर्जुन का अपना लक्ष्य का निर्धारण या लक्ष्य संधान की प्रक्रिया में सावधानी का बड़ा योगदान, उससे जगत का कल्याण। और राजा दशरथ के केवल लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य के संराधन में चूक के कारण खुद का बहुत बड़ा नुकसान और रामचंद्र को वनवास का नुकसान। तो यह दो कहानियां हमें यह सिखाती हैं, यह बताती हैं कि हम जब भी अपनी गोल सेटिंग करें तो हमें अपनी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अपनी गोल सेटिंग करनी चाहिए। क्योंकि गोल सेटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उसमें जवाबदेही की स्पष्टता रहती है। और आज के कॉरपोरेट में जब तक जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तब तक हम किसी के प्रति कोई ना तो एक्शन ले सकते हैं ना उसका रिवार्ड या रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में गोल सेटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। मैंने और मेरी संस्था ने इस पर पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आते होंगे और आपके क्लैरिटी, आपको कॉरपोरेट में किस तरह से काम होते हैं, कॉरपोरेट की टर्मिनोलॉजी का क्या महत्व है, उनको हम कितना और किस तरह से समझते हैं, इसकी स्पष्टता आती होगी। जवाबदेही के लिए मैं यह और कहना चाहता हूं कि जब भी हम किसी की अकाउंटेबिलिटी गोल सेटिंग प्रोसेस में फिक्स करते हैं तो इन छह चीजों का ध्यान पूरा रखा जाता है। नंबर वन, सेल्फ ऑनेस्टी, लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी और निष्ठा का स्तर क्या है। नंबर दो, वह अपने वैल्यू सिस्टम का और दूसरों के वैल्यू का और उनकी वैल्यू, दूसरे के वैल्यू सिस्टम का और उनकी खुद की वैल्यू, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, उनकी कुशलता के आधार पर कितना, कब, किन परिस्थितियों में, किस तरह से, कहां किया जाना है। नंबर तीन, उसमें सब चीज का रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज तैयार किया जाता है, कहां किस प्रक्रिया में किससे अच्छा हुआ, किससे बुरा हुआ, किससे उसकी गोल सेटिंग में उसका गोल 100% अचीव हुआ, कौन से अचीव नहीं हुआ, किसमें क्या कमी रह गई, कितने परसेंट कमी रह गई, उसी के आधार पर रिवार्ड और रिकॉग्निशन किया जाता है। नंबर चार है, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, जो कठिन परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपने पोटेंशियल का यूज कर अपने मानसिक दशा का सकारात्मक प्रयोग कर आगे बढ़ता है, वह अपने पोटेंशियल को प्रदर्शित कर समस्या का निदान कर उद्योग को बढ़ोतरी की ओर बढ़ाता है। नंबर पांच पर आता है, डू द राइट थिंग। जब हम कोई सी प्रक्रिया को पूर्णतः निश्चित करेंगे तो उसकी जितनी भी खामियां हैं, एक बार में, दो बार में पता चलती जाती हैं, उन्हें हम रिमूव करते जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बढ़ती जाती है और हम सिक्स सिग्मा थ्योरी को अचीव करने की ओर चले जाते हैं, जिससे मेरे उद्योग का ब्रांड और मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, जिससे मुझे अपने माल का विक्रय करने में या अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। नंबर छह है, एक्ट प्रॉम्प्टली विद केयर, कि यदि आपका सारा गोल सेटिंग एक्सरसाइज सिस्टमेटिक हुआ है, हर रिसोर्सेज का ध्यान रखा गया है, साधन का, सामग्री का, स्रोत का, तरीके का, स्थान का, बाजार का, कर निर्धारण का और यातायात का, व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता, कुशलता और दक्षताओं का, तो फिर उनका सावधानी के साथ प्रयोग कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों टर्मिनोलॉजियों का, वाक्यों का, कि मेरे लक्ष्य का निर्धारण या संधान या लक्ष्य प्राप्ति,
मैं कौन महत्वपूर्ण है कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा आपका मेरे वीडियो देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपनी जानकारी बढ़ाने का। बहुत बहुत